थानाबाद लोकसभा के मखदमपुर ब्लॉक के इक्किल गांव में है और लोकसभा चुनाव है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम हरेक गांव जाकर के गांव गांव से एक एक संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इक्किल गांव भी पहुंचे हैं, यहां भी जो गार्जियन लोग मिल रहे हैं, चाहे 2 मिले, 4 मिले या 10 मिले, जो संख्या में मिलते हैं बंगले पे बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं और उनका विचार क्या होता है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? नरेंद्र शर्मा। लोकसभा का चुनाव है, क्या देख रहे हैं अब की बार? हम लोगों का विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए और ये दिखने के लिए दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, समझे ना, यही मुद्दा है मेरा। और विकास पर और बेरोजगारी पर हम लोग वोट देंगे। बेरोजगारी पे और विकास पे? हाँ, जो बेरोजगारी दूर करे और विकास करेगा क्षेत्र में, उसी को हम लोग पसंद। चुनावी मुद्दे से तो ये दो चीज गायब है ना, तो कोई विकास की बात कर रहे हैं और ना तो कोई बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। कहीं भी किसी चैनल पे देखते हैं कि चलता है कि ना? ना, चल तो नहीं रहा है। वीडियो ये सब टेलीविजन जो चलता है बीजेपी के लिए केवल चलता है और लोगों के पार्टी के लिए नहीं चलता है। एक बात पूछे, आपका जाति कौन सा है? भूमिहार। तो आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए चलता है और भूमिहार माना जाता है बीजेपी का लठैत के रूप में, तो आप बीजेपी के विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं इसलिए कि बेरोजगारी और महंगाई चरम पर पहुंच गया है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। सत्ता हमको चाहिए कि जो समानांतर चलाए और बेरोजगारी और महंगाई दूर करे। जहानाबाद लोकसभा का चर्चा दिल्ली में चल रहा है और नेताजी का बीपी बढ़ चुका है और वहां मंथन हो रहा है कि कौन पहले जहानाबाद जाए। नेताजी का हिम्मत नहीं काम कर रहा यहाँ आने का कि आए और जनता को कैसे मनाए, काहे इतना टेंशन दे रखे? टेंशन का कारण है कि जो पूर्व सांसद थे, वर्तमान सांसद वो कोई विकास के काम नहीं किया, समझे ना, विकास का कोई काम ना है न किए हैं और इसीलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं। एक तरफ फिर से चंद्रवंशी जी को रिपीट किया गया है, सुरेंद्र यादव जी हैं और एक राष्ट्रीय जनजन पार्टी से आशुतोष कुमार हैं। एक पे तो तिलकुट बेचने वालों से रंगदारी वसूलने का आरोप है, एक पे 1600 करोड़ का गबन कर गए हैं और एक अभी सेना से आए। कहने का मतलब है कि आशुतोष जी नौजवान आदमी हैं, इनका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और ये नौजवान ही विकास करेंगे, उम्मीद है इनसे, तो हम लोग इनको लाइक करते हैं। आप युवा को लाइक करते हैं, इस आशुतोष कुमार को कितना दिन से आप जानते हैं? आशुतोष कुमार को 10 साल से जानते हैं। किस रूप में, आपके क्षेत्र के हैं या जो मेहनत करके आए? मेहनत करके आए हैं, हम तक अब पहुंचे हैं तब हम लोग जानते हैं। तब जानते हैं। कुमार क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? बीपी उपी बढ़ा दिए हैं, नेताजी का हिम्मत काम नहीं कर रहा है जहानाबाद घूमने का? ऐसी बात नहीं है, जनता हमारे क्षेत्र की जनता की जहानाबाद की जो है वो सीधा हो जाइए, अपने समाज के साथ जाना चाहिए और कम उम्र का युवा अभिषेक जी हैं, आशुतोष जी, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये लोग जो पूर्व सांसद हैं सुरेंद्र यादव, वर्तमान सांसद चंद्रवंशी, ये जितना समय देना चाहिए क्षेत्र में या क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कि जाति के ऊपर एक, आप भूमिहार जाति से हैं और भूमिहार जाति के ऊपर एक खास आरोप लगाया जा रहा है कि यह समाज जाति देख करके अब की बार वोट करना पसंद कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। कैसे ऐसी बात नहीं है, कैसे बताइए ना लोगों को पता चले। ऐसी बात है। क्या है बात? ऐसी बात है, हम भूमिहार समाज को जहानाबाद में नेगलेक्ट कर दिए हैं नीतीश बाबू, हम लोग विरोध में है। नीतीश जी के विरोध में? हाँ, तो पिछला बार तो वोट उन्हीं को ना। चंद्रवंशी जी यहाँ आए हैं, मेरे प्यार टूर्नामेंट था और ये पूछते हैं कि ये गांव जो है कि जहानाबाद में पड़ता है, उनको ये भी पता नहीं है कि गांव कहाँ में पड़ता है। यानी आपके गांव में सांसद महोदय आते हैं टूर्नामेंट का उद्घाटन करने और बताइए उन नेताजी को ये भी पता नहीं है कि इस गांव उनके क्षेत्र में पड़ता है। मंच से बोले हैं, मंच से, कि गांव कहाँ पड़ता है, जहानाबाद में है कि गया में है। तो अब की बार क्या कर रहे हैं?
कर रहेगा, हम लोग तो देंगे अपने समाज को वोट देंगे। पिछला बार किनको दिए? चंद्रवंशी जी को। किनके कहने पर? किनके कहने पर? मोदी जी के उमंग में दिए थे। फिर मोदी जी उमंग भरने आ रहे? हाँ हाँ, तो वो नहीं है कितना नेता जी यहाँ पे आएंगे। वो आवे या नहीं आवे मुझसे कोई फर्क न पड़ता है, हम लोग मतदान उनको नहीं देंगे। चंद्रवंशी जी को नहीं दीजिएगा? सुरेंद्र यादव कैसन? उनको भी नहीं देंगे, हम देंगे तो अपना देंगे, हमरे है ना। अच्छा, क्या कहिएगा, अंतिम चरण में यहाँ मतदान है, जब हर जगह से चुनाव खत्म हो जाएगा तो जहानाबाद का बारी आएगा। कितना नेता जी आपके जहानाबाद में आएंगे पता है? बहुत सारे नेता जी आएंगे। क्या कीजिएगा? करना यही है कि से आशुतोष कुमार को वोट दे देना है, और इन चंद्रवंशी जी को न देने के पीछे जानते हैं कारण क्या है, कि नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिल के मतलब यहाँ के मेन वोटर को नेग्लेक्ट किया कि आप लोग का कोई वजूद नहीं है। हम 1500 वाले, चंद्रवंशी जी की संख्या है पूरे जहानाबाद में मात्र 1500, ठीक है, और उसको मोदी जी भेजे या नीतीश कुमार भेजे तो दोनों अपना हिसाब किताब दिल्ली में बैठ के कर लेंगे, कर लें। वोटर हम है ना कि मोदी जी वोटर है? आपके जाति के नेता जी आएंगे? आपके जाति के कितने नेता जी हैं पता है? सांसद, विधायक, मंत्री सब कोई आएंगे मनाने के लिए आपको, सबको पता आप रूठ गए हैं। ठीक, सब कोई मनाने आएंगे तो अरुण बाबू 10 बरस MP रह चुके हैं, सब पार्टी में वो घूम चुके हैं, तो उनका तो कोई वजूद रहा नहीं। उनको लोजपा ने टिकट दिया तो उसमें हम लोग दोषी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया तो हम लोग दोषी नहीं है? हम लोग दोषी नहीं ना है? हम लोग तो बता रहे हैं कि यहाँ दो स्तंभ है, यादव जी और भूमिहार, बीजेपी का कोर वोटर भूमिहार था, और उसको नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिल के नेगलेक्ट किए। और जब सीट बट रहा होगा अंदर कोठरी में तो विचार करना चाहिए ना कि 3.5 लाख की वोटर जाएगा कहाँ, क्यों इसको 1500? अगर हम तो कहते हैं कि अभी भी आप नालंदा से हमारा बदल दीजिए कैंडिडेट, कौशलेंद्र को यहाँ भेज दीजिए, इंजीनियर को, हम लोग जिता देंगे, इसको वहां एक्सपेरिमेंट कर लो। तुम्हारे के यहाँ कुर्मिस्तान है नालंदा में तो तुम कहोगे कि नहीं हमारा जात का लड़ना चाहिए, और हमारे के यहाँ भूमिहार स्थान है तो हम किसको लड़ाएं? हम लोग किसको लड़ाएं? सीधी सीधी बात है ना, हम तो कह रहे हैं कि उससे नीतीश कुमार को एक्सपेरिमेंट ही करना है, तो आप मैसेज पहुंचाइए अपने आपके माध्यम से, हम कहना चाह रहे हैं कि कहिए उनको कि आप सर नालंदा में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए चंद्रवंशी जी को, वहां भी तो दलित अवशोषित अति पिछड़ा होंगे ना, संदेश अच्छा जाएगा। 3.5 लाख भूमिहार के बीच आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या लगता है कि चंद्रवंशी जी फिर जीतेंगे? आपके बार कई बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं यहाँ पे, कितने भी बड़े आ जाए 100% चंद्रवंशी जी की हार है। अगर मोदी जी या नीतीश जब तक मंच से भूमिहार से संवाद नहीं करेंगे, भूमिहारों से संवाद करना होगा ये दोनों को, अन्यथा यहाँ से अपना डिबरी बर्तन। मोदी जी आएंगे उनके सभा में जाइएगा? नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाइएगा? इसीलिए कि आप हमारा अवहेलना किए हैं तो कहा ले जाएंगे। आपके जाति के नेता जी आ रहे हैं ना जहानाबाद आपको मनाने के लिए? कौन बताइए, हमको तो नहीं जानकारी है कि उन बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ? बीजेपी की तरफ। कौन नेता आएंगे बताइए? जो भी आएंगे। कोई आए ही नहीं अभी तक। आएंगे तब मान जाइए। नहीं नहीं, तब उनसे हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी या मोदी जी सुधार करके आते ना, आज जो मनाने के लिए कोई भूमिहार समाज के नेता आता है तो उसी दिन ठीक ठाक करके ना आते। उनको क्या कहिएगा जो मनाने के लिए आपको आएंगे? कोई जरूरत उनको नहीं है, कोई मनाने का ना है, लोग इतना रंज है ना कि कोई उपाय नहीं है। देख रहे थे कल सिन्हा जी मंच से भाषण दे रहे थे चंद्रवंशी जी के लिए कि इनको जिताना है, 400 पार करना है। वो सिन्हा जी भाषण देते रहे लेकिन अब अरे इलेक्शन में 24 में उनको समझ में आ जाएगा कि टिकट का बंटवारा सही नहीं हुआ है, ये भूमिहार बहुल क्षेत्र है, जादव बहुल क्षेत्र है, यही दोनों समय कंटेस्ट होता था, लेकिन अभी भूमिहार के काट के बिक दिए हैं, इसलिए हम लोग नागढ़ है ना, वहाँ भूमिहार के तनी देख के एक्सपेरिमेंट कोई करे पार्टी, तब मैं जानू कि सबको ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या सब जगह बदलाव चाहते हैं। यानी पूरा नाराज है 100%, ठीक है। मोदी जी भी आएंगे मनाने तो? मोदी जी से मानेंगे, मंच से उनको संवाद करना होगा, मनाने की बात दूसरी होती है। अब पूरा संप्रदाय के लिए मंच से जो कनेक्शन होता है ना, कि इस बार मोदी जी कह देना कि मन से कि इस बार गलती हुई अगला बार से सुधार जाएगा, देखे कि सब स्थिति 2 मिनट में बदल जाएगा, मान जाइएगा। हम क्यों मानेंगे, पूरा लोग मानेगा। आपका क्या कहना है, आप क्या कहिएगा? बड़ी चुपचाप है, शांत से एकदम सुन रहे करते हैं शांत, इस चीज के बारे में बोलिए। तापमान चुनाव का इतना तेज है, गर्म है, और आप शांत है, ये कैसे हो सकता है? शांति के कारण न है,
शांति के कारण है कि शांत कैल है तो शांत है, शांत कैल है इसलिए शांत है, इसलिए शांत है, इसलिए शांत है। गर्मी नहीं आएगा ना, शांत इतने कर दौड़ गया कि एकदम हम शांत है, गर्मी लेगा तो गर्मी आ जाएंगे। कब गर्मी आएगा? शांत न कैल है तो गर्मी आएगा कहाँ से? तो आपका अंदर गर्मी कब जगेगा? गर्मी अब जगबे नहीं करेगा, एकदम शांत हो गए हैं। अब मोदी जी से कोई लेना देना नहीं? मोदी जी हमारे यहाँ देखे आएंगे तो कहला उनका 400 पार करेंगे, और मोदी जी सरकार तो बनवे करेंगे, लेकिन जहाना में ना आएंगे, जहाना में जो रहेगा उसको ना हमको चाहिए, जहाना में मोदी ना आएगा। जहानाबाद का नेता कौन बनेगा आपकी बात? जहानाबाद का नेता कौन बनेगा? ये तो जनता बताएगा, नेता बताएगा। आपका मूड क्या है? हमारा मूड तो है भूमिहार के प्रति, कि भूमिहार को होना चाहिए। कौन होना चाहिए? यही आशुतोष जी घूम रहे हैं। आशुतोष कुमार होने चाहिए, नवयुवक है, जखनी बुलाएंगे जखनी आएगा ही दौड़ के। अच्छा, जखनी बुलाएंगे जखनी आ जाएंगे। क्या लगता है चाचा, आखिरी सवाल एक आपसे है कि आशुतोष कुमार को आप नेता मान लिए हैं? हाँ, नेता है, थोड़ा जज्बा है इसमें। तो क्या लगता है कि आशुतोष कुमार को अपना नेता मान लिए? हाँ हाँ, मान लिए हैं, और जज्बा इनमें है और नौजवान है, इसलिए हम इनसे प्रसन्न है, इनका सपोर्टर है। मगध के नेता बनेंगे आशुतोष? बनेंगे, बनते बनते बनता है, समझे ना। रसरी आवत जात ते सिल पर बरत निशान, वही वाली कहावत है, समझे ना। कोई प्रयास करेगा धीरे धीरे हम आगे बढ़ता है, एक बैग बढ़ जाएगा। 12 साल से कहा जाता है संघर्ष करके आए, 12 साल से संघर्ष किए हैं, तो हो सकता है इस बार बन भी सकते हैं, समीकरण को कोई नहीं जानता है, लेकिन आप सब नेता मान लिए हैं? हाँ, नेता मान लिए, इसमें दो मत नहीं है। कह रहे युवा है, अभी नया नया सीखने आया, सीखने नहीं आया है, एकदम सुलझल नेता है, समझे ना। आशुतोष कुमार भूमिहार समाज का सुलझा हुआ नेता है, साफ सुथरा नेता है। आशुतोष कुमार को दिल्ली जाने में नेता जी सब काहे टांग अड़ा रहे हैं? इनको डर है आशुतोष कुमार? मेधावी आदमी है, मेधावी छात्र जैसे होता है ना, तेज तरारी नेता है, इसलिए इसका विरोध होने वाला रहता है, उसका पर कतर दिया जाता है। तो आप सिर्फ आशुतोष कुमार के लिए लड़ाई लड़िए? हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, दिल खोल करके सपोर्ट कर रहे हैं, जहां बुलाएंगे वहां जाने के लिए तैयार हैं। आशुतोष कुमार में जहानाबाद को क्या संदेश दीजिएगा? आशुतोष कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद है? हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजद में हम वोट देने जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सब बोलते रहे, राजद को जिनको पसंद है अपना, लेकिन भूमिहार समाज राजद को वोट नहीं देने जा रहा है। नया युवक है, उसको दे देंगे कि एक स्वर से मतदान करके दिखा देंगे भूमिहार समाज के, भूमिहार समाज के लिए 2 लाख वोट पड़े, 1 लाख पड़े, एक जगह एक जुट। परिणाम जो भी हो संदेश दिल्ली देंगे। हाँ, परिणाम जो है, परिणाम चाहे जो है, राजद पर कहना यही है कि जो भी व्यक्ति जहानाबाद का नरसंहार भूल गया होगा वही व्यक्ति राजद को वोट देगा। जो व्यक्ति जहानाबाद के नरसंहार को भूल गया होगा वही राजद सुरेंद्र यादव को वोट करेगा। आगे भी चलेंगे, जो उस गांव का संदेश होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।